आज हम बनाएंगे चाट मसाला, वो भी होममेड, क्लियरी शुद्ध बढ़िया परफेक्ट रेसू। जो हमारा होता है वही रेसू है। तो अब हम चलते हैं आगे चाट मसाला बनाने के लिए। हम क्या, आप भी देखेंगे तो आप भी तुरंत बनाने के लिए दौड़े 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 अपने किचन में जाएंगे, क्योंकि किचन के सामान से ही बनता है ना। तो चलिए, देर किस बात की है। इंडियन कुकिंग सीक्रेट्स वाई सावित्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चाट मसाला। तो मैंने चाट मटन मसाला के लिए कुछ ड्राई ये साबुत मसाला लिए हैं। तो मैंने आधा कप ये साबुत धनिया लिए है। तो इसको अभी मैंने गैस नहीं जलाई है, इसमें हम साबुत ये धनिया डाल देंगे। और 7 से 8 ये हैं लाल मिर्ची, तो मैंने ये ली हैं। 15 से 20 ये लौंग हैं, तो लौंग भी हम इसी में डाल देंगे। लीजिए, और 2 चम्मच ये काली मिर्च है, साबुत काली मिर्च, और 2 चम्मच जीरा, और ये 2-3 छोटे छोटे दालचीनी की लकड़ी है, इनको भी हम डाल देंगे। अब ये मसाला हम स्लो आँच में भूनेंगे। स्लो आँच में भूनना है क्योंकि मसाला हमारे हल्का सा इनमें जो भी नमी हो वो निकल जाए, पर इनका टेस्ट और जो इनके अंदर टेस्ट है वो खराब ना हो। नहीं तो यदि ज़्यादा भुन जाएंगे तो हमारा चाट मसाला ही अच्छा नहीं लगेगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसे हम स्लो आंच में भून लेते हैं और हमें बराबर चलाना है। और जो मसाले हैं हमारे वो हम पिसे हुए हैं, तो उनको हम ये भूनने के बाद जब हम पीसेंगे फिर आपको उनकी मात्रा भी आपको हम बराबर से दिखाएंगे। और मैंने ये जो मिर्ची में डंठल लगे हुए हैं, आपको यदि इनको तोड़ना हो तो आप इन्हें हटा सकते हैं, तो नहीं हटाना हो तो आप मेरी तरह ऐसे ही भून लें। इन्हें इतना करना है कि बस इनमें हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए, हल्का सा, बिल्कुल जो इनके अंदर टेस्ट है और जो खड़े मसालों के अंदर वायल होता है वो इन्हें जो छुपा इनका टेस्ट है जो भी इनमें होता है वो सब ऐसे भूनने से बाहर आ जाता है। तो इसलिए हमें इनको हल्का सा भूनना बहुत ज़रूरी है। इनका कलर चेंज होगा तो वो हमें बंद कर देंगे। तो 2 से 3 मिनट में ये तैयार हो जाएगा भून के। तो देखिए, हमारा मसाला भुन चुका है, इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है और खुशबू भी बढ़िया आ रही है किचन में। तो अब इसे हम गैस की फ्लेम को करते हैं बंद और इसे ठंडा होने देंगे। 5 मिनट ठंडा होने, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे पीसेंगे। तो लीजिए, गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है बंद। ये मसाले अब हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो अब इनको हम इसे जार में डाल देंगे और हम पीस लेंगे। मैंने ये डंठल नहीं हटाए हैं और आपको हटाना हो तो आप हटा सकते हैं। यदि ये बने भी रहेंगे तो इनसे कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसलिए अब हम ये पीस लेंगे, उसके बाद फिर से दिखाते हैं। देखिए, ये मसाला साबुत धनिया, साबुत मिर्ची और लौंग, जो काली मिर्च थी, दालचीनी की लकड़ी, वो हमने जीरा पीस लिया है। अब इसमें कुछ हमें पिसे हुए मसाले डालने हैं, तो हम डालेंगे इसमें डेढ़ बड़ी चम्मच जिंजर पाउडर, सौंठ पाउडर, और 1.5 चम्मच रेगुलर नमक, सादा नमक जो हम डेली सब्जी में यूज करते हैं, और ये काला नमक 1.5 चम्मच, तो इसको भी हम डाल देंगे इसी में। और 1 बड़ी चम्मच हींग, और ये खटाई पाउडर 3 बड़ी चम्मच, ये अमचूर पाउडर है, इसको भी हमने डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमने पीस लिया है, और जब हम ये मिक्सी के जब ये चलाते हैं तो मिक्सी स्विच ऑफ करते हैं, तो उसके बाद हमें इसको 2 मिनट तक नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ये मसाला पिसता है, ऊपर उठता है। यदि हम तुरंत खोल देंगे तो ये हमारे चेहरे पर, हमारी आँखों में मसाला चला जाएगा। तो इसलिए हमें 2 मिनट स्टॉप करने के बाद 2 मिनट तक हमें नहीं छूना चाहिए इसको। अब हम आपको दिखाते हैं, हमारा ये मसाला पिस के तैयार हो गया है। देखिए, पहले ही पिसा था वो, तो
लेकिन मिक्स करने के लिए मैंने इसे दोबारा से जार में डाल दिया। तो ये हमारा चाट मसाला बनके तैयार हो गया है। इसे हम एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। इसे बस आप एयर टाइट कंटेनर में रखें, और आप किसी भी तरह की चाट बनाएं या फ्रूट्स खाएं या आप कुछ भी, आप चिप्स खाते हैं या आप कभी भेल पूड़ी बनाते हैं तो उसमें भी इसे थोड़ा सा डाल दो, या आपने कभी नमकीन चावल बनाए हैं तो उसमें भी आप डाल सकते हैं, पूड़ी पराठा बनाया तो उसमें भी आप ऐसे डाल के और पोली बना के खा सकते हो। इसको एयर टाइट कंटेनर में आप डिब्बे में, कांच के डिब्बे में रखेंगे आप तो ये एक साल तक ही ख़राब नहीं होगा। एक साल तक क्या ख़राब होगा, नहीं, ये बचेगा भी नहीं आपका। आप इस तरह से बनाएंगे और आप निश्चिंत होकर कभी भी कोई भी चाट बनाए कुछ भी, तो आपको ये टेंशन नहीं है कि हमारे घर में चाट मसाला है या नहीं है, और ये ख़राब भी नहीं होगा, और बाज़ार से सस्ता भी है अपने हिसाब से, और अपने मनचाही चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं। जैसे मैंने इधर अमचूर पाउडर डाला है, आपको अमचूर पाउडर नहीं डालना है। आप इसमें साइट्रिक एसिड, जो हमारे नींबू के जो नींबू होते हैं ना, उनके फूल आते हैं, उन्हें साइट्रिक एसिड बोलते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने अपने होममेड बनाया है तो इसलिए मैंने इसमें खटाई के लिए अमचूर पाउडर डाला है। आपको साइट्रिक एसिड डालना हो तो आप वो डाल सकते हैं, वो भी आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये इतना ज़्यादा खट्टा हो जाएगा कि आप खा नहीं सकते हैं। तो लीजिए, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में बेल आइकन है, उसे भी दबाएं प्लीज़। लीजिए, ये हमारा चाट का चटपटा, तीखा, खट्टा, टेस्टी सा, खुशबूदार ये चाट मसाला आज हम बनाएंगे आप सभी के लिए। और आपको बिल्कुल भी, बिल्कुल घर के ही सामान से बन जाए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप निश्चिंत होकर इसे बनाइए और सालों साल रखिए। इसमें सभी घर का सामान है, ये ख़राब नहीं होगा, इसमें नमी नहीं जाएगी तो ये ख़राब नहीं होगा। आप चम्मच से सूखी चम्मच लें, उससे आप जब भी निकालें, और चम्मच सूखी होनी चाहिए आपकी, आप किसी भी चीज़ में डाल के इसे इंजॉय कर सकते हैं।